तो इसमें मैं हाईलाइट कर रहा कि टू इंक्रीज द एक्सेसिबिलिटी टूवर्ड्स द पीडब्ल्यू राइट्स ऑफ पब्लिक पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016, तो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ चेंजेस एक्सेसिबल बनाने के लिए। लास्ट होल्ड आउट हंगरी। हंगरी में कौन से सरकार है अभी अगर बोला जाए तो दे आर मोस्टली राइट सेंट्रिक, वो एंटी इमिग्रेशन है, वो एंटी ग्लोबलाइजेशन है, वो नेशनलिज्म कल्चर कल्चर नेशनलिज्म पर फोकस करते हैं। विक्टर ओरबन हंगरी के, और दे आर अगेंस्ट नाटोस एक्सपेंशन, दे आर अगेंस्ट ईयू इंटरफेयरिंग इनटू द पर्सनल मैटर रिगार्डिंग हर चीज पर, चाहे वो इकोनॉमिक इशू रहे, चाहे वो फाइनेंशियल से इशू रहे। तो हंगरी, तो वहां का जो उन्होंने लास्ट में अल्टीमेटली स्वीडन को अप्रूव कर दिया नाटो मेंबरशिप के लिए। तो हियर आई वुड लाइक टू एड टू थिंग्स। हंगरी इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, और कैबिनेट जो है अगेन इंडिया की तरह उसको प्रूव करनी पड़ती है अपनी मेंबरशिप ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और दूसरा मल्टी पार्टी सिस्टम है वहां पर, मतलब यूनी पार्टी नहीं, मल्टी पार्टी लाइक इंडिया। डिस्कस न्यू स्टेट लैंग, जम्मू कश्मीर, बारामूला, उधमपुर, महाराष्ट्र इज एग्जेम्प्टिंग सम प्राइमरी स्कूल फ्रॉम कोटा, राइट टू फ्री एजुकेशन 2009 में बोला गया था कि 25% रिजर्व होना चाहिए फॉर द वीकर सेक्शन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप इन द नेबरहुड, लेकिन स्टूडेंट इन दीज नेबरहुड विल बी कंसिडर फॉर एडमिशन इन टू गवर्नमेंट एडेड स्कूल एंड नॉट इन प्राइवेट सेक्टर। ऐसा क्यों है? पहली बात है कि ड्रॉप इन द एनरोलमेंट रेशियो गवर्नमेंट स्कूल बढ़ा है, इसलिए गवर्नमेंट को बोला जा रहा है। दूसरा कि कर्नाटका में जब पेरेंट्स को बोला गया कि एडमिट करो प्राइवेट स्कूल में, इट रिजल्टेड इन एनरोलमेंट रेशियो ड्रॉपिंग, सबको बच्चे गवर्नमेंट से उठ करके प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करना स्टार्ट कर दिया। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट का डेवलप उतना ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर, इसी कारण जो देर वॉज अ रश फ्रॉम द गवर्नमेंट टू प्राइवेट, इसलिए उन्होंने बोला कि प्राइवेट सेक्टर पर फिलहाल रोक देते हैं। इसके अंदर बहुत सारे अलग चैलेंजेस भी होते हैं, दूसरा जैसे एक कि और अगर ऐड हम बात करें करते हैं, फिर आपको ऐड कर देना। दूसरा एक और है कि फीस फीस कैसा होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को अल्टीमेटली पे करना ही है, वो तो गवर्नमेंट एडेड है नहीं, उनको तो पे करना है टू द टीचर और बाकी सब। तो जो बहुत कम फीस आएगा बाकी 25% से, तो बाकी जो 75% पर फीस बढ़ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ डे सैलरी देना है आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर में मेंटेनेंस करना है, जो भी एक्स्ट्रा खर्चा है साल भर का, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो पे करना है। तो इस पर एक क्वेश्चन उठता है कि पेमेंट कौन करेगा? तो पहला बात है कि या तो आप सरकार पे कर दे, कितने बच्चे पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर अटेंडेंस बना दे उनका, दिखा दे इतने बच्चे मेरे हैं, उसके हिसाब से जो भी फीस बनता है वो दे दे। लेकिन इसमें भी क्वेश्चन उठता है कि यह प्राइवेट सेक्टर हो सकते हैं कि बहुत बड़े स्कूल रहेंगे या फिर छोटे स्कूल प्राइवेट सेक्टर होंगे, तो फीस का डिफरेंसेस है। सरकार तो ऐसा नहीं ले सकता है कि 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया दे दे एक बच्चे पर, जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है, प्राइवेट स्कूल में। तो इसमें एक इशू है, डाइवर्जेंट रिस्पॉन्स है। बोलो प्रवेश। अब हाँ, इसके अंदर आई वाज एडिंग दैट पहला जो आपने पॉइंट हाईलाइट किया है, मैं एक्सटेंडिंग दैट कि जब गवर्नमेंट कहती है आरटी एक्ट के अंदर आप जो है 25% सीट रिजर्व कीजिए वीकर सेक्शन के लिए, तो वीकर सेक्शन को दे तो देंगे प्राइवेट स्कूल, लेकिन वो पैसा कहाँ से लाएंगे आप? तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ इंसेंटिवाइजेशन गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिलता है, पहला हुआ ये। दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पर दो तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कॉन्स्टिट्यूट मतलब हमारे लोग के अंदर है, एक है 10% कोटा जो कि 2019 के बाद आया, और एक है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन स्पेशली फॉर चिल्ड्रन जिसके अंदर बच्चों का एडमिशन किया जाता है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। तो जैसे जैसे लोगों की सैलरी बढ़ रही है, तो पहले यहाँ पर बीपीएल कोटा होता था इस तरीके से, तो बीपीएल कोटा और ईडब्ल्यूएस कोटा दोनों का सर्टिफिकेशन के अंदर जो है करप्शन है बहुत बड़ा, जिसकी वजह से जो असली बच्चे हैं जो वास्तव में गरीब सेक्शन के अंदर हैं और जो बैकवर्ड है उनका एडमिशन नहीं होके, जो काफी एलीट सेक्शन के भी है वो भी फेक सर्टिफिकेट बनवा के एडमिशन लेते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए एक प्रॉपर आरटीआई मैकेनिज्म का यूज होना चाहिए हर स्कूल के अंदर, एक एनुअल रिपोर्ट जो है वो जो
एनसीईआरटी जैसे विभाग है उनको स्टडी करना चाहिए, और मिड टर्म जो है एग्जामिनेशन होना चाहिए कि कितनी सीट भरी गई या वैकेंट भी है नहीं, और पब्लिकेशन होना चाहिए विद इन द न्यूज़पेपर्स। इसके अलावा जो कि आप रिजर्वेशन जो दे रहे हो, इससे एक बिहेवियरल भी दिक्कत है। वो क्या दिक्कत है कि आप जब इस तरीके की रिजर्वेशन एलीट स्कूल्स के अंदर देते हैं, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे एलीट स्कूल है, डीपीएस इज अ रिनॉन्ड स्कूल इन इंडिया, ठीक है, तो जब आप इस तरीके से वहां पर 25% बच्चों को देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक एक्विलिब्रियम है वो कहीं ना कहीं टूटता है। वो क्या एक्विलिब्रियम है कि सरकारी स्कूल के अंदर आप जितना मर्जी पैसा डाल लीजिए, पीएम श्री बना लीजिए, रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल बना लीजिए, जब आप ये बात कह देते हैं कि 25% सीट जो है प्राइवेट के अंदर डालिए, इससे कहीं ना कहीं जो वो सरकारी स्कूल है उनकी इमेज घट जाती है ऑटोमेटिकली, कि सरकारी स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी, सरकारी स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग होने के बावजूद भी आप वो बिहेवियरल चीज कम नहीं कर पा रहे हैं, कि सरकारी और प्राइवेट का करिकुलम तो एक ही है, टीचर का स्टैंडर्ड आप नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उनके जो टीचर्स हैं उनमें हमने बात भी की है, फिनलैंड मॉडल जैसे हमारे यहाँ मॉडल है जहाँ पर मिड टर्म ट्रेनिंग होती है 20 दिन की, फिनलैंड जैसी, डेनमार्क और जैसी कंट्री के अंदर टीचर थी, ताकि वो उस करिकुलम को जो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर है ऑलरेडी उसको गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर लाए। और जो लास्ट चीज आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि एक तरीके से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है बच्चे के अंदर जब वो प्राइवेट स्कूल के अंदर जाता है और वो देखता है कि मेरे जो फेलो हैं दे आर कमिंग इन लग्जरी कार्स, दे आर हैविंग लग्जरीज एंड आई एम नॉट, सो दैट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। सो उसको भी इम्प्रूव करने के लिए हमें कहीं ना कहीं जो सरकारी स्कूल है उसको बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाने की ले हमें कदम उठाने पड़ेंगे। नाउ यू कैन कंटिन्यू। डिस्कस हाई क्वालिटी डेटा डिस्ट्रिक्ट डेवलपर इंडेक्स ऑफ महाराष्ट्र यू कैन रिकॉल इन 5 सेकेंड। मरियम नवाज स्वॉर्न इन चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। ये नवाज शरीफ की बेटी है मरियम नवाज। पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ईस्टर्न पंजाब प्रोविंस। PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नाम है इसका। वर्ल्ड वाइज इट इज माय कन्विक्शन दैट किलिंग अंडर द क्लोक ऑफ वॉर इज नथिंग बट एन एक्ट ऑफ मर्डर। यस कि कैसे क्वेश्चन मार्क। तो आई कैन स्पेसिफाई कि किलिंग अदर इज एक्ट ऑफ मर्डर ये तो पता ही है, बट किलिंग अदर विद द पर्पस ऑफ सेविंग वंस कंट्री सेविंग एन आइडिया ऑफ नेशनहुड कल्चर सिविलाइजेशन उसी कारण वॉर होता है टेरिटोरियल एक्सपेंशन और रियलिज्म इन द नेशनल इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। रियलिज्म रियलिज्म के हिसाब से चलता है फॉरेन देर इज अ वॉर उसके बाद द वॉर जस्टिफाइज किलिंग द वॉर टू सेव अ कंट्री मदर मदरलैंड इट जस्टिफाइज दिस एक्ट ऑफ किलिंग इट इज ऑल्सो एक्ट ऑफ मर्डर क्योंकि अल्टीमेटली इट अमाउंट्स टू लॉसेस ह्यूमन लॉसेस इट अमाउंट्स टू इनसेपरेबल लॉसेस फेस बाय द विक्टिम्स एंड विक्टिम्स फैमिली। तो ये ऐड करना। हाँ, यहाँ पर आई वुड लाइक टू ऐड टू टू थ्री थिंग्स। नंबर वन, जो मर्डर है उसको जस्टिफाई भी किया जाता है, मर्डर जो है उसको एप्रिहेंशन से भी देखा जाता है। अगर हम बात करें क्लासिकल सोसाइटीज, प्रिमिटिव सोसाइटीज की, तो वहां पर जो मर्डर है दैट इज नॉट अ फेक थिंग, दैट इज नॉट अ फॉल्स थिंग, क्योंकि वहां पर कॉन्सेप्ट आता है एटोमिस्टिक इंडिविजुअलिज्म। एटोमिस्टिक इंडिविजुअलिज्म का मतलब ये है कि वट एवर आई हैव पोजेस्ड दैट इज द पार्ट ऑफ माई लेबर, माई एक्शन, एंड आई एम बींग एन एटम, आई हैव द सोल राइट टू डोमिनेट द एंटायर वर्ल्ड। सो दिस फिलोसफी एंड दिस नोशन लीड्स टू द रियलिज्म थ्योरी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जहां पर बात करते हैं कि आपको अपने जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसको बचाने के लिए आप लार्ज स्केल मैसेकर भी कर सकते हैं। हम हिटलर की बात करें, हम आज के टाइम पे यूक्रेन की बात करें। इसके अलावा दूसरा सेक्शन क्या है, वो कहता है कि एज एन एटम आप जो है दूसरे जो एटम्स हैं आपकी सोसाइटी के अंदर आपका उनसे कोऑर्डिनेटेड रिलेशन है, इंटर रिलेशन है, यानी आप जो भी कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा सोसाइटी के अंदर दीजिए। गांधी जी की बात कर सकते हैं, तालिस्मान की बात करते हैं, हरिजन की बात करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक स्कॉलर थे, उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी को पैदा करने का, अगर आपको किसी को
बना नहीं सकते आप किसी को, तो आपको उसको मारने का भी अधिकार नहीं है। और ये जो फिलॉसफी है ये कहीं ना कहीं हमारे वेजिटेरियनिज्म भी देते हैं कि आप जो है अगर किसी जानवर को मार देते हैं तो आप क्या उसे दोबारा बना सकते हैं, उसके अंदर जान डाल सकते हैं। लेकिन दैट इज हाईली सब्जेक्टिव थिंग, वी विल नॉट गो इनटू दैट। सो दिस इज आई वांटेड टू ऐड, सो नाउ यू कैन कंटिन्यू। यस, अ थॉट फॉर डे, एक्सटर्नल थिंग्स आर नॉट द प्रॉब्लम, इट्स योर असेसमेंट ऑफ देम. मतलब ये बोलना चाह रहे मार्कस ऑरेलियस, इसको बोलते हैं फिलोसोफर किंग मार्कस ऑरेलियस, ये रोमन किंग थे और इनका बहुत रोल रहा है बुढ़ापे में भी. वो आई थिंक ही हैज रिटन मेडिटेशन, वर्ल्ड रिनोन्ड बुक है इनका. तो एक्सटर्नल, वो बोले कि एक्सटर्नल थिंग जो भी चीज चलते आ रहा है, सर्कमस्टांसेस है, आपका जो रिएक्शन होता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द असेसमेंट ऑफ द, आपका रिएक्शन करता है. हो सकता है जल्दी रिएक्शन हो, गुस्सा का हो, या फिर आपका सही नहीं हो उस हिसाब से, तो इट इज डिपेंडेंट ऑन द असेसमेंट ऑफ द. इसलिए दैट इज वाई सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज इंपॉर्टेंट. शांति होता है जब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो, जब आप एनालाइज करते हो इन अ वेरी कॉर्डियल मैनर, इन अ वेरी अनबायस मैनर, ऑब्जेक्टिविटी के साथ हर एक चीज को, तब आई थिंक जो आपका रिएक्शन होता है टुवर्ड्स द प्रॉब्लम वो थोड़ा चेंजेस आ जाए. ऐड करना. फॉर एग्जांपल इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान का एग्जांपल ले सकते हैं, खुद एसेस कर लीजिए कैसे डील कर सकते हैं. क्लाइमेट चेंज का एग्जांपल है, कैसे कर सकते हैं, खुद से चेंज करना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन. या फिर खुद जब डिप्रेशन में रहते हैं, क्या वो एक्सटर्नल फेस्ड है, क्या वो रियलिटी है, क्या वो माइंड से सिर्फ है. तो थॉट फॉर द डे है इवॉल्विंग हेल्थ केयर. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी कहती है, टुडेज मेडिकल साइंस इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट ट्रीटमेंट, द गैप बिटवीन द फिजिकल डिजिटल एंड बायोलॉजिकल रेल्स इज श्रिंकिंग ड्यू टू द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. ट्रू, मेडिकल साइंस सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है कि आपको बस ठीक कर दिए, मेडिसिन दे दिए, सर्जरी कर दिए, ऑपरेशन कर दिए, होगी. हर एक पूरा डोमेन है, प्रिवेंटिव है, उसमें भी यूज हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, ML, कहाँ पर डेंगू हो रहा है सबसे ज्यादा, कहाँ नहीं हो रहा है, कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं पब्लिक गवर्नेंस में, एपिडेमिक डीलिंग में काम आता है, जिसका फिर ट्रीटमेंट क्लिनिकल डायग्नोसिस सब में यूज हो रहा है. आंख आयरिस स्कैन से पता लग सकता है कि आपके पास रेटिना, आप रेटिना से पता लग सकता है आपका डायबिटिक पेशेंट है कि नहीं है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है. ब्लड मार्कर से पता लगता है कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस है, सब टेक्नोलॉजी यूज ऑफ बायोलॉजिकल, CAS9, GM, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जीनोम सीक्वेंसिंग, क्लिनिकल डायग्नोसिस, टेलीमेडिसिन, क्लिनिकल डायग्नोसिस, टेलीमेडिसिन, बायो बायोलैब लैब डायग्नोसिस, ये सब बात कर लिया डिफरेंट में, ब्लड मार्कर से लेकर हर चीज. उसके बाद आता है क्यूरेटिव, आप बाद में उसमें भी चेंजेस हो रहा है कि आपको AR VR के थ्रू आपको फील करा सकते हैं कि आप एक अच्छे जगह पर हो. कोई डिप्रेस्ड है उसको रखा हुआ है, AR VR के थ्रू आपको अच्छे अच्छा जगह उसको घुमा सकते हैं, दुनिया घुमा सकते हैं उसके थ्रू, तो फील अच्छा होगा. तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से आप उसको कम कर सकते हो. लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में ये बोल रहे हैं कि मेडिकल साइंस कैनॉट बी टोटली डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी, इट नीड्स ह्यूमन फॉर्म ऑफ इंटरवेंशन, ह्यूमन टच चाहिए. डॉक्टर के सामने बस बात करने में अच्छा लगता है, लगता है, फील लगता है. आप कंप्यूटर से लिखने तो कुछ भी होता है, गूगल में कुछ भी टाइप करें कैंसर बन जाता है. डॉक्टर से पूछते हैं तो आपको लगता है कि हाँ डॉक्टर सुन रहे मेरा बात. तो ये जो ह्यूमन एलिमेंट है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐड करना. नहीं वर्षित, वी कैन कंटिन्यू। स्टडी रिवील्स रेडियोथेरेपी केमो हजार्ड मेटास्टेसिस, मतलब कैंसर रिलेटेड जो मोर्टेलिटी होता है वो मेटास्टेसिस बोलते हैं, क्योंकि स्प्रेड ऑफ कैंसर से एक जगह है तो उसका आप सर्जरी कर सकते हो. कुछ मेटास्टेसिस मतलब हर जगह बॉडी पार्ट में स्प्रेड हो चुके हैं, इसका मतलब होता है कैंसर से ब्रेक अवे फ्रॉम द ओरिजिनल ट्यूमर और ट्रैवल करते हैं थ्रू द लिम्फ सिस्टम और ब्लड और न्यू ट्यूमर ग्रो होता है हर बॉडी के. टाटा मेमोरियल सेंटर, न्यूट्राक्यूटिकल, ये इंपॉर्टेंट है. न्यूट्राक्यूटिकल मतलब ऐसा चीज जिसको आप यूज कर सकते हो टू टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ द रेडिएशन. फॉर एग्जाम्पल
फूड सप्लीमेंट है, न्यूट्राकुटिकल। फूड प्रोडक्ट प्रोवाइड्स हेल्थ बेनिफिट, बेसिक न्यूट्रिशन पूरा होता है, विटामिन पूरा होगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरा होगा बॉडी के अंदर। जो फ्री रेडिकल्स है जो खतरनाक होता है बॉडी के लिए, उसको कम कर सकता है, बिहेवियर ऑफ द कैंसर मिनिमाइज कर सकता है। डॉक्टर रिमूव 39.37 मैग्नेट फॉर मैन इंटेस्टाइन, आई थिंक दिस इज नॉट मच इम्पोर्टेंट। एक्सरे बस सीटी स्कैन, कीवर्ड एक्सरे यूज होता है, एमआरआई में मैग्नेटिक फील्ड रेजोनेंस। रिलायंस लॉन्च मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वन तारा रोल ऑफ द प्राइवेट बॉडीज, डीपीएसपी उनके लिए नहीं है लेकिन सीएसआर उनके लिए है, उनका जो कंपैशनेट कैपिटलिज्म, स्टेक होल्डर अप्रोच, ट्रस्ट बेस्ड कैपिटलिज्म, ट्रस्टीशिप, गांधीयन ट्रस्टीशिप, इसको प्रमोट कर रहे हैं रिलायंस वन तारा। जो भी इंजर्ड एनिमल्स है उसको सपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी, ग्रीन बेल्ट के अंदर में बनाया जाएगा, लेजर थेरेपी दिया जाएगा, स्टार ऑफ द फॉरेस्ट की, इसमें रेस्क्यू होगा, ट्रीटमेंट होगा, रिहेबिलिटेशन होगा जो भी इंडिया में अब्यूज थे एनिमल। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग रीजन स्पेसिफिक आवश्यक या अक्रॉस इंडिया? अक्रॉस इन एक जगह होगा, ग्रीन बेल्ट ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्री जामनगर रिफार्म में, वहां पर ओनली सच फैसिलिटी वहीं पर, तो कहीं पर भी होगा वहां लेके आ सकते हैं। वन तरह इज ऑल्सो रिहेबिलिटेड 45 महोत, महोत मतलब जो लीड करता है एलिफेंट को, एलिफेंट्स ओनर उनके साथ रहते हैं। तो ये एग्जाम्पल वन तारा इज एन लीडिंग एग्जाम्पल, प्राइवेट सेक्टर कैसे कभी कभी प्रॉफिट मोटिव से उड़ करके काम करते हैं सोसाइटी के लिए। हर बार प्राइवेट सेक्टर गलत नहीं, हर बार वो अब्यूज नहीं करते पावर को, वो देते भी है, वो एम्पावर भी करते लोग को। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट डिलीवरी सेंटर ईपैम, नॉट मच इम्पोर्टेंट, फोर्थ लार्जेस्ट डिलीवरी सेंटर में ईपैम रिलेटेड कंपनी है। ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे एनएसएसओ 5 साल में एक बार होता है, एमओएसपी करता है। अब इसमें डिवाइड्स डिफरेंसेस, आसाम छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा, लोएस्ट एमपीसी उड़ीसा बिहार मध्य प्रदेश झारखंड छत्तीसगढ़, हाईएस्ट तेलंगाना तमिलनाडु केरला हिमाचल प्रदेश हरियाणा। अब ऑल्टरनेटिव तो एमएसपी, एमएसपी एक पार्ट है सिर्फ है। ऑल्टरनेटिव क्या है? सपोर्ट प्राइस, क्योंकि राइस वीट साइकिल होता है तो बाकी सब क्रॉस डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है, सबके लिए होना चाहिए, बाकी सब के लिए भी। रियल प्राइस डिस्कवरी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, रियल प्राइस डिस्कवरी तभी हो सकता है जब आपके पास पता होगा कि कितने प्रोडक्शन हो रहे, प्रोडक्शन हो रहे तभी हो सकता है जब आपको पता होगा कि कितने स्टोरेज फैसिलिटी है, चाहे वो फार्मर के घर में स्टोरेज हो, चाहे वो बिग गोदाम हो, चाहे बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर में कोल्ड स्टोरेज हो, सब स्टोरेज को अगर मैपिंग करोगे स्पेसिफिक ई वेयर हाउसिंग रिसीव्ड होगे, तब पता लग सकता है कितने स्टोरेज है, उसके हिसाब से प्राइसिंग हो। डेरिवेटिव मार्केट में जहां पर एनसीडीएक्स में फ्रो फोर्ट रनर है, कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस एमएसपी। कोऑपरेटिव नीड्स टू बी इनकरेज्ड सेल्फ सफिशिएंट मॉडल करने के लिए, ऐसे मिल्क मिल्क का स्टोरी वैसी हो सकता है कि मिल्क कोऑपरेटिव, वैसी टर्मरिक कोऑपरेटिव, वैसी टोमेटो से रिलेटेड किसान, किसान तो है टोमेटो से रिलेटेड कोई एफपीआई होंगे जो कोऑपरेटिव होंगे जो टोमेटो से इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट टोमेटो सॉस बना सके, उसको मिल उसके जैसा अमूल जैसा, हर एक के लिए अलग अलग कोऑपरेटिव हो सकता है। एग्जाम्पल जो फ्री फूड है वो सेंटर प्रोक्योर नहीं करे, वो स्टेट करे स्पेसिफिक अपना, बस उसको कंपेंसेशन सेंटर से मिल जाए, उससे क्या हैंडलिंग और लॉजिस्टिक को जो एफसीआई करता है उसके बाद एफसीआई पे देता है स्टेट को, उसके बाद स्टेट डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब क्या होगा, स्टेट के पास मैंडेट रहेगा, वो खुद करेगा, खुद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास एक टास्क होता है टू रिप्रेजेंट द फार्मर्स ऑन एक्सचेंजेस, यहाँ पर उनका रोल बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल घाना मेक्सिको में, वहां पर भी स्मॉल फार्मर एग्री बेस्ड इकोनॉमी प्रमोट किया जाता है।
मॉडल एपीएमसी लॉ में चेंजेस चाहिए, ई नैम पोर्टल को स्ट्रॉन्ग करना होगा, रेजिलिएंट फार्मिंग, ये सब काम करेंगे तभी जाकर के ओवरऑल जो एमएसपी है वो बस एक पार्ट है स्ट्रक्चर रिफॉर्म का, तो पूरे स्ट्रक्चर रिफॉर्म में चेंजेस आना पड़ेगा। तो अगर चार की हाईलाइट पड़े, एमएसपी एक पार्ट है, दूसरे लॉजिस्टिक है, कोल्ड स्टोरेज, तीसरा हो गया प्राइसिंग से रिलेटेड, प्राइस डिस्कवरी, और चौथा होगा डाइवर्सिफिकेशन कि आप सिर्फ एक जगह पर फोकस नहीं करें, हर जगह कोऑपरेटिव को प्रमोट करें। WTO की वेट बस हाईलाइट बता दे रहे हैं कि वी हैव डिस्कस इन वेरी डिटेल पिछले 3-4 दिन से। एग्रीकल्चर एम्बर बॉस, ई कॉमर्स में टैक्सेशन बोलता है इंडिया, फिशरीज सेफ्टी बोलता है कि मिले उनको इंक्लूड करना चाहिए, जैसे पीस क्लॉज इसमें भी होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन इंडिया बात करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि कंसेंसस बिल्डिंग है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में इंडिया बोलता है कि सेटलमेंट मैकेनिज्म में मेंबर होना चाहिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द एपलेट बॉडी इज नॉन फंक्शनल, यूएस ब्लॉक करते हैं अपॉइंटमेंट में, इसलिए। गजल आइकन पंकज उदास पार्षद दबे, गजल सिंगर पंकज उदास, पद्मश्री पंकज उदास। तो ऐसा कोई गजल घराना भी है मुंशिक हमारे यहाँ पे? ठीक हाँ गजल से होगा, जैसे यूपी में है, करना ऐसा कुछ थोड़ा टेक्निकल हो जाता है ये गजल, जिसने एक सेकंड ठीक है। घराना सिस्टम तो क्या हम ऐसा लेकिन बोल सकते हैं कि जो सूफी सेंट थे वहां से इस चीज का ओरिजिन हुआ गजल का? अब बता देते। घराना अगर पूछे ये तो घराना पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट। घराना क्या हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक, साउथ नॉर्थ साउथ कर्नाटिक, हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक है तो ऑब्वियस बात है उसमें पर्शियन एलिमेंट आएंगे, उसमें इंटीग्रेशन होगा कल्चर का, हिंदी भी होगा उर्दू भी होगा, मिक्स होंगे, ओवरऑल हिंदुस्तानी लैंग्वेज यूज होगा। घराना सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या होगा कि म्यूजिशियन डांसर वो लिंकेज रहेगा, उनका म्यूजिक स्टाइल डिफरेंट होगा, हर एक कला अलग डिफरेंट होगा क्योंकि गुरु शिष्य उसमें भी तो होंगे ना, गुरु शिष्य, तो हो सकता है कि ग्वालियर में जो गुरु होंगे उनका अलग शिष्य होंगे तो उनका अलग घराना हो गया, इंदौर का अलग हो गया, इंदौर पूरी ग्वालियर बेस्ड ऐसा बोलते हैं ना। अच्छा फिर लखनवी घराना, रायगढ़ घराना, कथक, वैसे कथक घराना, कथक में भी डिफरेंसेस, गुरु शिष्य लीनेज और अप्रेंटिसशिप तो अलग अलग है। तो वोकल घराना में ख्याल हो गया, गुरु शिष्य ट्रेडिशन पे डिपेंडेंट है, ध्रुपद यूज होता है। और जब मुगल एम्पायर, जब 18 सेंचुरी देखोगे तो देयर इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मुगल एम्पायर डिक्रीज होंगे तो ऑब्वियस बात है जो लोग पढ़ ले एम्प्लॉयमेंट होगा वहां पर वो रीजनल किंगडम में जाएंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वहां से उठ के बाकी जगह गए, तो ग्वालियर लखनऊ हैदराबाद पटियाला रामपुर एक्सेट्रा, तो सबका अलग अलग स्टाइल चेंज हुआ, डायलेक्ट चेंज हुआ, स्टाइल चेंज हुआ, और साथ ही साथ ख्याल जो एक स्पेसिफिक है वो चेंज हुआ। दिल्ली घराना, ग्वालियर घराना, जिसमें ग्वालियर घराना में देखा जाए तो अभी गुलाम हसन ये थे, आगरा घराना, किराना घराना, जैतपुर पटियाला घराना, रामपुर घराना, मेवाती, फिर ध्रुपद ट्रेडिशन में भी अलग अलग होंगे, हर जगह डागर ध्रुपद, विष्णुपुर घराना, दरभंगा घराना बिहार में, ठुमरी, वैसे ठुमरी का भी ठुमरी क्या होता है, ठुमरी वोकल जॉनर है इंडियन म्यूजिक का, ठुमका ठुमुकना वहां से है, तो वॉक विद डांस, एंकल बेल टिंकल, ड्रामेटिक जेस्टर किया जाता है, माइल्ड एरोटिसिज्म है, लव पोएट्री है, फोक म्यूज फोक सॉन्ग में उत्तर प्रदेश, तो जो डायलेक्ट क्या होगा अवधी ब्रिज भाषा ठुमरी। हायल क्या है, वो इमेजिनेशन से आता है वर्ड, रोमांटिक पोएट्री है, ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देन ध्रुपद, उसके अंदर में जो रागा है डिफरेंट डिफरेंट रागास, मेलोडिक मूड यूनिक वो चेंज होते हैं, कलर ऑफ माइंड चेंज होते हैं, मूड पर चीज डिपेंड करते हैं, तो हम लोग राग और ताल, तो राग और ताल में फर्क क्या होता है, पैटर्न ऑफ नोट, हाइटेंड स्टेट ऑफ इमोशन, जैसा इमोशन हो वैसा आपका आपका राग एक तरह से।
हाई पिच्ड वॉइसेस, लो पिच, सब डिपेंड करता है आपका क्या इमोशन है उस समय पर, वोकल क्वालिटी, नेचर ऑफ कंपोजिशन। ताला क्या होगा? ताला होता है टाइम के अनुसार होता है। हाँ ठीक है, राग हो गया बेसिकली लाउडनेस, डेसिबल लाउडनेस हो गया, या एम्पलीट्यूड कि आपका हाई पिच्ड लो पिच्ड, राग हो गया। ताला हो गया टाइम, 1 सेकेंड बाद ऐसे ऐसे, या लगातार 2 सेकेंड बाद ताल। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बीट्स, बीट जिसको बोलते हैं। तो ले लिए घराना। तो ओवरऑल जो घराना क्या है कि जो हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक है वो एक कोई पैटर्न नहीं है ना कि यही पढ़ना है, ये एग्जाम है, ये निकालो तुम सीख गए इंडो क्लासिकल म्यूजिक। वो तो गुरु शिष्य परंपरा पर है हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक। तो जहां जहां गुरु होंगे उनका अपना अलग यूनिकनेस होगा, अपना उनका रोल होगा। तो हर एक जगह में, ग्वालियर में अलग होंगे, पटियाला में अलग होंगे, वहां से जो लीनियज होगा म्यूजिशियन का, गुरु का, वहां से बोलते मैं घराना, ग्वालियर घराना से हूँ, मतलब वहां के जो एक एलिमेंट ऑफ नोवेल्टी है, डिफरेंसेस है, इनोवेशन है वहां के। प्रवेश हाँ ट्रू हो चुका सही। थैंक यू फॉर पूरा एक्सप्लेनिंग यही सो मच। कि घराना हो गया, मेलोडी हो गया, राग और ताल में फर्क किया है। और इसको इंटरनेशनल ट्रैवल शो, एक्सपोर्ट मार्केट, सत्ते 24, इंक्लूसिव सस्टेनेबल टूरिज्म, ग्रिड इंडिया, सस्टेनेबिलिटी इन पावर सिस्टम, नोवक जोकोविक, बैक टू इंडिया वेल, ओसाका, हैवन टेकिंग अ ब्रेक एट हर पीक ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यू, फॉर्मर वर्ल्ड नंबर वन नॉमी ओसाका रीज हर लव एंड हंगर फॉर टेनिस आफ्टर बिकमिंग मदर। तो हर के साथ आता है, एक समय आता है जब आपको डीमोटिवेट फील होता है, लेकिन इनको भी हुआ कि भाई फैमिली इंपॉर्टेंट है कि ये कॉम्पिटिशन। तो बीच में आदमी डिकम्प्रेस करता है, टाइम लेता है, सोचता है, इंट्रोस्पेक्ट करता है। और बाकी जो अगर लोग होंगे ऐसे, इनके चाइल्ड थे बाकी, लेकिन बाकी जगह फ्रेंड है, परिवार है, उनके साथ टाइम स्पेंड करने से वापस से रेजुवनेशन होता है बॉडी का, माइंड का, वापस से भी काम कर सकते हैं। तो दे हैव सी हैव रीच डिस्कवर्ड लव एंड हंगर फॉर टेनिस आफ्टर बिकमिंग मदर। उनको भी लगता होगा कि मेरा भी डिमोटिवेशन हो गया लॉन्ग टर्म में, कि टेनिस खेलने का मन ही नहीं है, मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है, इन स्पाइट ऑफ बींग अ टॉप नंबर वन। तो ये नॉर्मल बात है सबके लिए। आई थिंक आई फिनिश्ड, थैंक यू एवरीवन। डू सब्सक्राइब टू आंसर करें, वी विल टेक अप न्यू सेट ऑफ आर्टिकल्स टुमोरो फॉर डिस्कशन।